और ये देखो भाई साहब भी रोटी बनाना सीख रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो आप? Check the mic and make sure it sound right, boys. So hi guys and welcome back to the new vlog. So अभी शाम के बज रहे हैं 7। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ और रियाज बाबू यहाँ पे अपना फोन देखने में बिजी हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं, आइए। सो ऑफिस से लौटते समय मैम का फिर फोन आया कि खाने के लिए कुछ ले आना, आज मौसम सही हो रहा है, बारिश का सा सीन है। सो अपन लेके आए स्पेशल राहुल बेकर्स के यहाँ से मटर पनीर पैटीज और एक रियांश के लिए पेस्ट्री, बिकॉज रियांश को केक बहुत पसंद है, कई दिन से वो केक मांग रहा था। रियांश जल्दी आओ, जल्दी आपका केक आ गया फेवरेट वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन खाएगा? थैंक यू तो बोला ही नहीं आपने मुझे। सो अभी हम एक न्यूज़ देख रहे थे कि फ्लाइंग बीच सर को कल पुलिस ने अरेस्ट किया था। एक्चुअली कल जब हम लौट भी रहे थे तब भी कई सोशल मीडिया पोस्ट हमने देखे थे कि उनको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, लेकिन हमको लग रहा था यार फेक न्यूज़ है, शायद वो इवेंट कैंसिल हो गया, इसके लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ उड़ रही है। लेकिन आज हमने देखा तो कई सारे ऑफिशियल चैनल्स पर ये न्यूज़ आ रही है। धारा 144 नोएडा में लागू थी, पुलिस परमिशन शायद उन्होंने नहीं ली थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक जैम हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी आम नागरिकों को, जिसकी वजह से पुलिस ने धारा 144 और एक दो धारा और उसके अंतर्गत उनको पुलिस रिमांड पे लिया था। बाद में वो बेल से हालांकि छूट गए, उन्होंने लास्ट में स्टोरी भी डाली थी बर्थडे सेलिब्रेशन की घर पे जाके, लेकिन ये सारा जो भसड़ हुई आई थिंक प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से, बिकॉज क्राउड इतना ज़्यादा था उनको मैनेज करने के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था थी नहीं, और उन्होंने शायद पुलिस की परमिशन भी नहीं ली थी, बिकॉज विदाउट पुलिस की सिक्योरिटी के ये इवेंट हो ही नहीं सकता था, बिकॉज हज़ारों की मतलब हज़ारों की तादाद में लोग रोड पे थे, फ्लाईओवर के ऊपर थे, मेट्रो स्टेशन पे थे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और कोई बड़ी दुर्घटना बिल्कुल हो सकती थी। सो गाइस आज हमारा एक और पार्सल फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है। सो ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लॉगिंग सेटअप को कंप्लीट करेगा। सो इसमें एक मोबाइल ट्राईपॉड, सो ये डिजिटेक का है और मतलब इसके बिना काम अधूरा था। हालांकि मेरे पास एक ट्राईपॉड था DSLR वाला, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा सेटअप है। अरे वाह, इसमें भी एक माउंट मिल गया हमें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें वो कोल्ड शू माउंट नहीं होगा लाइट लगाने के लिए। सो एक ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ट्राईपॉड था जो मुझे पसंद आया था, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, सो ये मोबाइल के लिए स्पेशली है और इसमें 3 लैग्स हैं। सो आप इस तरीके से इसको कहीं पर स्टेबल भी कर सकते हो और इसको आप यहाँ से पुश करके थोड़ा सा इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बाकी डिजिटेक का है, अच्छी कंपनी है डिजिटेक जो ट्राईपॉड बनाती है। सो ये है, इसलिए ये हमने मंगाया है। बाकी कंप्लीट वीडियो जो सेटअप है आपको मैं दिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज जो सारा सामान है वो आ गया है, अब बस इंतज़ार है वीडियो का कि वो वीडियो कब बनाएंगे। सो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से क्या सेटअप होता है, किस तरीके से व्लॉग किया जाता है। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। सो ये एक प्रोडक्ट था जो हमारा रह गया था। सो गाइस अभी अपनी एडिटिंग भी स्टार्ट हो गई है, साथ साथ व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, साथ ही साथ एडिटिंग भी चल रही है। कल वाला एपिसोड है जो आपने अभी तक देख लिया है फ्लाइंग बीच सर वाला, सो तो अभी मैं एडिटिंग के लिए बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं अपलोडिंग वाला, सुबह 8 बजे वाला टाइम बहुत जल्दी है, बिकॉज कभी कभी होता है यार कि टाइम ही नहीं मिलता एडिट करने का, तो सुबह मैं एडिट करता हूँ, सुबह बहुत जल्दी हो जाता है एडिट करके अपलोड करना, फिर नेट की स्पीड यहाँ पर इतनी ख़राब आती है कि वो टाइमली हो नहीं पाता। सो गाइज़ यहाँ पे मोना थोड़ा सा एडिटिंग सीख रही है, वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, बस मोना के अपने अलग काम है, मैं एडिटिंग पे लगा रहता हूँ। सो अभी मोना फिलहाल बैठी है, नहीं बिल्कुल सीख जाओगी यार, क्यों नहीं सीखोगी, मतलब कोई ऐसा पहाड़ थोड़ी है, जब हम सीख गए तो तुम भी सीख जाओगी। सो बेसिकली मोना को मैं बता रहा हूँ कि टाइमलाइन क्या होती है, किस तरीके से हम वीडियोस को सीक्वेंसिंग करते हैं स्टोरी के हिसाब से, फिर एक एक करके हम क्लिप को टाइमलाइन पे लेके आते हैं, किस तरीके से हम ट्रिम करते हैं वीडियोस को, किस तरीके से ऑडियो पे काम करते हैं, कलर ग्रेडिंग पे काम करते हैं, तो वो सारा जितना भी बेसिक काम है, जो सॉफ्टवेयर है उसका जो इंटरफेस है उसको समझाने की अभी कोशिश चल रही है। सो ये तो मोटा मोटी समझ में आ गया है मोना को, कई दिन हमने ये बैठ के कर लिया है। सो अभी मैं मोना को कुछ टास्क वगैरह देता रहता हूँ कि ये ऑडियो हटाओ, इसको कट करो, इन वीडियोस को मर्ज करो, तो वो मोना भी कर रही है, सीख जाओगी, है ना? सीख अगर टाइम दोगी प्रॉपर तो बिल्कुल सीख जाओगी और बहुत जल्दी सीख जाओगी। क्या चाहिए? चिप्स आपने कितनी खा ली है? कितनी खानी है? बाहर फेंकाऊंगा? देख रहे हो बाहर, कहाँ फेंकाओगे बाहर? फिर मुझे कौन उठा के लाएगा? कौन उठा के लाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ ना, कैमरे में क्यों आ रहे हो? ऐसे क्यों आ रहे हो?
सो गाइस टाइम देखो हो गया 9:48 यानी 9:45, मैं 7 बजे बैठा था एडिटिंग करने के लिए। अब फाइनल जाके मैंने रेंडरिंग पे लगाई, अभी भी 15-20 मिनट में वीडियो को रेंडर होने में लगेंगे, उसके बाद थंबनेल बनाऊंगा, उसके बाद वीडियो अपलोड होगी। सो अभी 1 घंटे का काम और है। और यहाँ पे देखो मोना सो गई है इंतज़ार करते करते, अभी खाना भी नहीं बनाया, अभी खाना खाएंगे। और रियांश देखो मस्त खेल रहा उधर, रियांश मम्मा तो सो गई, ये स्टिकर छुड़ाने में लगा हुआ है पीछे उसके स्कूटर के, है ना। सो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, आप ये देखो सब्सक्राइबर्स वाला जो हमारा ग्राफ है उसमें ये जो आप लाइन देख रहे हो कॉर्नर में, ये एकदम ऊपर की तरफ जा रही है। सो ये पॉसिबल हुआ है जो कल हमें यूट्यूबर मिले थे अंकुश सक्सेना, जिन्होंने मोना के साथ एक क्लिप रिकॉर्ड की थी, उन्होंने जो अपना लेटेस्ट व्लॉग है उसमें वो क्लिप को डाला भी, और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 152 अभी तक नए सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं। सो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, थैंक यू सो मच जो भी उस वीडियो को देख के यहाँ पे आए हैं। सो ये सही है, और ये फ़ायदा होता है छोटे छोटे जो कोलेब्रेशन होते हैं, छोटे छोटे जो आपकी पार्टनरशिप होती हैं उसकी वजह से आपको एक दूसरे को बहुत मदद मिलती है। सो थैंक यू अंकुश सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी वजह से काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये क्या हो रहा है बित्तू, क्या हो रहा है, सारे स्टिकर छुड़ा दिए आपने ना इस बाइक के, सारे स्टिकर छुड़ा छुड़ा के खा गया बच्चा हमारा। सो मोना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोना तो सो गई थी एक्चुअली इंतजार करते करते, एक्चुअली वीडियो का काम ही ऐसा है ना, 3 घंटे लग गए एडिटिंग तक। अब ये जबरदस्त, इसको पता है मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, जबरदस्ती आगे खांसेगा पीछे से। नौटंकी करता है ना, सोना की तरह सही नहीं है। एक्चुअली हमारा एडिटिंग का काम भी ऐसे ही है ना, तू रुक जा बेटा, बड़ी मस्ती आ रही है तेरे को, है ना, रुक जा। सो मोना की चल रही है एडिटिंग क्लास और मेरी चल रही है कुकिंग क्लास, तो मैं देख रहा हूँ खाना कैसे बनता है। एक्चुअली इस बार मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी अकेले रहने में, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जिससे कभी मोना नहीं होगी इमरजेंसी में तो खाना तो बना लें। तो सिखा दो मोना मेरे को खाना बनाना। और यार आप देखो मतलब व्लॉगिंग लगता बहुत ईजी है लेकिन बहुत मेहनत जाती है। आप देखो कल का पूरा दिन एक वीडियो शूट करने में मैं लगा, उस वीडियो को एडिट करने में 3 घंटे अभी मैं दे चुका हूँ, 1 घंटा अभी। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आपको एडिटिंग करनी ही करनी एक है, वो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह ब्लॉग जाना है और वो एक ड्यूटी है, मतलब कि वो करना है आपके लिए, करना है गैप नहीं करना, तो वो है 3 घंटे एडिटिंग, अभी 1 घंटा थंबनेल, फिर अपलोडिंग, देन फिर पता नहीं 12-1 बजे सोएंगे, फिर वही कल से फिर व्लॉग स्टार्ट। अभी जो ये शूट कर रहे हैं इसको अभी ख़त्म करेंगे। सो यही चलता है, यही है डेली व्लॉगिंग। सो हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं यही कहता हूँ जिसका पैशन है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और ये देखो भाई साहब भी रोटी बनाना सीख रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो आप? मेरे लिए। वेरी गुड बेटा, तू सीख जा तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं है, तू ही खिला दिया करियो, तेरे को रख लिया करूँगा मैं यहाँ पे, है ना। हाँ गैस चलाओ मम्मा, गैस चलाओ, गैस चला ले अभी से, हैं है करना व्लॉगिंग में है। सो रियांश की पढ़ाई अब हो रही है रात में 10:30 बजे। बेटा ये टाइम है पढ़ने का, अब फुर्सत मिली है आपको। सो गाइस अपना खाना रेडी हो गया है, और आप ये मत समझना कि हम इतना ट्रैवल करते हैं, घर में अकेले फ्लैट में रहते हैं या फिर व्लॉग वगैरह करने में बिजी रहते हैं तो खाना हम ऐसे ही उल्टा सीधा खा लेते होंगे या जोमेटो से मंगा लेते होंगे। सो मोना पूरा खाना देखो बनाती है, सुबह आज कढ़ी बनाई थी, अभी लौकी की सब्जी बनाई है और दही है, साथ में पापड़ है, रोटी है। सो डाइट का पूरा ध्यान रखती है मोना। दे तो ये ओवर एक्सपोज हो रहा है, अभी कुछ दिख नहीं रहा। सो थैंक्स टू मोना जो मेरा और यांश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ प्रॉपर टाइम पे मिलता है। सो बिग थम्स अप टू मोना, एक लाइक कर देना मोना के लिए। छुट्टियाँ मार रही है दो माँ बेटन में। मोना ने रियांश के बाल पकड़ रखे हैं, रियांश ने मोना के। क्यों लड़ रहे हो बेटा, ये पापड़ के पीछे लड़ाई हो रही है, छोड़ दे बेटा। लड़ाई नहीं करते बेटा, मम्मा की लग जाएगी, लेकिन मम्मा लाल पड़ गई बेटा, छोड़ दे। सो गाइस अभी आपको टाइम दिखाता हूँ मैं, तो आप देखो टाइम हो रहा है 11:27, तो 11:30 बज गए। अब जाके मेरी एडिटिंग अपलोडिंग थंबनेल सब कुछ कंप्लीट हुआ है। सो आज 4.5 घंटे लग गए मोना, बहुत मेहनत होती है बहुत। ऐसी मत निकला करो देख के, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले।
मतलब 10 मिनट का व्लॉग देखते हो आप, लेकिन उसके बैक एंड में बहुत मेहनत होती, होती है और अब पैशन करा देता है, मतलब आदत हो गई है, सो बिल्कुल मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को मैं एंजॉय करता हूँ। सो फिलहाल काफ़ी थक गए हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक देख लिया है और इस मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक करके ज़रूर जाना। बाकी कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे फिर 8 बजे, अभी तक तो सब कुछ टाइम से चल रहा है, तो 8 बजे मुलाकात करेंगे। अगर किसी दिन दिक्कत आएगी तो टाइम चेंज करेंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे, सो वो देखेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा स्टोरी वगैरह पे। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह, सो बाय बाय। रियाज बाय करो, बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.